Yo, I never fucked Wayne, I never fucked Drake. वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हिट द लाइक बटन और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम के लेटेस्ट ट्रेंड्स के ट्यूटोरियल्स अपलोड करता रहता हूँ। हाय गाइस, सो मेरा नाम है राहुल एंड अभी जो आपने एक वीडियो का प्रीव्यू देखा, ये प्रोफेशनल ट्रेंड इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है एंड काफ़ी सारे लोग इस पर ऑलरेडी वीडियो बना के अच्छे खासे व्यूज ले चुके हैं। सो इस ट्रेंडिंग वीडियो को बनाने के लिए हमने सिर्फ एक ऐप का यूज़ किया है, दैट इज़ VN एडिटर। ये ऐप इजीली प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। वंस आपका ऐप इंस्टॉल हो जाए उसके बाद उसको ओपन कर लेना है। ऐप को ओपन करने के बाद आपको इस वाले प्लस बटन पर टैप करना है एंड देन एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। इस पूरे ट्रेंड में हमने एग्जैक्टली 6 फोटोज़ का यूज़ किया है, तो मैंने अपनी सारी फ़ोटोज़ एक फोल्डर में क्लब की हुई हैं। इसी तरीके से आप भी उनको क्लब करके रख सकते हैं जिससे आप उनको इजीली इंपोर्ट कर पाएँ। तो अब आपको अपने फोल्डर को सेलेक्ट कर लेना है एंड देन अपनी सारी फ़ोटोज़ सेलेक्ट कर लेनी है। सारी फ़ोटोज़ सेलेक्ट करने के बाद आपको इस वाले ब्लू वाले एरो बटन पर टैप करना है एंड देन वो आपके प्रोजेक्ट में इंपोर्ट हो जाएंगी। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने प्रोजेक्ट के एंड में आ जाना है। यहाँ पे आप एक डिफ़ॉल्ट एंड स्क्रीन देख रहे होंगे, इसका कोई भी यूज़ नहीं है, तो इस पर टैप करके इसको डिलीट कर देंगे। अब आपको दो इंपॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखना है, आपको अपने प्रोजेक्ट का एस्पेक्ट रेशियो रील्स के एस्पेक्ट रेशियो में कर लेना है। तो उसके लिए आपको ऊपर ओरिजिनल वाले बटन पर टैप करना है एंड देन नीचे ऑप्शंस में से स्क्रॉल करके 9:16 सेलेक्ट कर लेना है। सिमिलरली आपको अपनी हर एक फ़ोटो को भी इसी रेशियो में क्रॉप करना है, तो उसके लिए आपको अपनी हर एक फ़ोटो पर टैप करना है एंड देन नीचे ऑप्शंस में से स्क्रॉल करके क्रॉप वाले ऑप्शन पर टैप करना है। यहाँ पे आपको 9:16 सेलेक्ट कर लेना है। मेरी सारी फ़ोटोज़ ऑलरेडी इस रेशियो में क्रॉप्ड हैं, तो मेरे को कोई भी चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। अब आपने इस ट्रेंड के स्टार्टिंग में नोटिस किया होगा एक वीडियो प्ले होती है, तो अब हम उसको इंपोर्ट करेंगे। तो उसके लिए आपको इस वाले प्लस बटन पर टैप करना है एंड देन वीडियो फ़ोटो पर टैप करना है। इस वाली वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जाके इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। वंस वो डाउनलोड हो जाए उसके बाद आपको उस पर टैप करना है एंड देन अपने प्रोजेक्ट में इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, हमें इस वाली वीडियो को अपनी सारी इमेजेस से पहले लाना है। तो उसके लिए आपको इस पर प्रेस एंड होल्ड करना है एंड इसको लेफ्ट साइड स्क्रॉल करके अपनी सारी इमेजेस के स्टार्टिंग में प्लेस कर देना है। तो इस तरीके से हमारी ये वाली वीडियो स्टार्ट में प्लेस हो गई है एंड देन कंटिन्यूसली हमारी इमेजेस प्ले होंगी। अब हम क्या करेंगे, हम हमारी सारी इमेजेस का ड्यूरेशन सेट करेंगे। तो हमारी वीडियो का ड्यूरेशन तो ऐसे का ऐसे रहने वाला है, हमें अपनी बाकी सारी इमेजेस का ड्यूरेशन सेट करना है। तो उसके लिए आपको अपनी फर्स्ट वाली इमेज पर टैप करना है एंड देन ट्रिम वाले ऑप्शन पर टैप करना है। यहाँ पर आपको 1.09 सेकेंड्स कर लेना है। देन आपको अपनी सेकेंड वाली फ़ोटो पे टैप करना है, उसको 1.08 सेकंड्स के लिए कर देना है। देन आपको अपनी थर्ड वाली इमेज का जो ड्यूरेशन रखना है वो भी 1.08 सेकंड्स रखना है। फोर्थ वाली इमेज का जो आपको ड्यूरेशन रखना है वो रखना है 0.97 सेकंड। फिफ्थ इमेज का जो आपको ड्यूरेशन रखना है वो रखना है 1.09 सेकेंड। एंड आपको अपनी लास्ट वाली इमेज का जो ड्यूरेशन रखना है वो रखना है 0.75 सेकेंड। तो इस तरीके से हमारी सारी इमेजेस का ड्यूरेशन भी अब सेट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, हमारी सारी इमेजेस के बीच में एक ट्रांजिशन एंड कुछ इफेक्ट सेट करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी हर एक फ़ोटो पर टैप करना है एंड देन नीचे ऑप्शंस में से स्क्रॉल करके जूम वाले ऑप्शन पर टैप करना है एंड देन यहाँ पे आपको जूम आउट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर टैप करना है। सिमिलरली आपको अपनी हर एक फ़ोटो पर ये अप्लाई कर देना है। जब आपकी सारी फ़ोटोज़ पे ये अप्लाई हो जाए, अब हमें लास्ट एक ट्रांजिशन ऐड करना है
एंड देन हमारी वीडियो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। अब आप नोटिस कर रहे होंगे कि आपकी फर्स्ट वाली वीडियो एंड फर्स्ट वाली फोटो के बीच में एक वाइट प्लस बटन है, तो आपको उस पर टैप करना है। एंड देन यहाँ पे आप जो फर्स्ट वाला जूम वाला ट्रांजिशन देख रहे हैं, इस पर आपको टैप करना है। इसको आपको डिक्रीज करके 0.3 सेकेंड्स कर लेना है, दैट इज़ 0.30 सेकेंड्स, एंड देन डन पे क्लिक कर देना है। सिमिलरली आपको अपनी हर एक फोटो के बीच में इसको अप्लाई कर देना है। ये हो जाने के बाद अब हम अपनी वीडियो में म्यूज़िक को ऐड करेंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे म्यूज़िक वाले प्लस बटन पर टैप करना है एंड देन म्यूज़िक पर टैप करना है। इस वाले ऑडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जाके इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। वंस वो डाउनलोड हो जाए उसके बाद आपको इस वाले प्लस बटन पर टैप करना है एंड देन फाइल मैनेजर में जाके उसको इम्पोर्ट कर लेना है। इम्पोर्ट करने के बाद उसको चूज़ कर लेना है। तो इस तरीके से हमारा ये वाला ऑडियो भी ऐड हो गया है। अब हम अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट करके देखेंगे कि वो कैसी बनी है, तो उसके लिए आपको ऊपर एक्सपोर्ट वाले बटन पर टैप करना है एंड देन सारी सेटिंग्स को मैक्सिमम पे रख के डन पे क्लिक कर देना है। वंस आपका वीडियो एक्सपोर्ट हो जाए उसके बाद आपको यहाँ पे सेव टू एल्बम पे क्लिक करना है एंड देन वो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। अब हम उसको एक बार प्ले करके देख सकते हैं कि वो कैसी बनी है। Yo, I never fucked Wayne, I never fucked Drake. तो गाइस ये था इसका कंप्लीट ट्यूटोरियल। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं जल्द आ रहा हूँ एक और इंस्टाग्राम रील्स के ट्यूटोरियल के साथ में। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।